श्री कृष्ण वाणासुर पर अपना पहला तीर चलाते हैं। जैसे ही पहला तीर चलाया तो वाणासुर को उसके 1000 हाथों से मुक्ति मिल गई। अब जैसे ही दूसरा तीर चलाने जाते हैं, वाणासुर सोचते थे ये तीर मुझ पर चल गया तो मेरी मृत्यु होना तय है। अब वाणासुर कहते हैं कि शिव जी को याद करना पड़ेगा, तुरंत भोले बाबा के नाम का स्मरण कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं। तब भोले बाबा वहां पर प्रकट होते हैं, कृष्ण को रोकते हैं कि रुकिए, ये युद्ध पहले से लिखा जा चुका था कि आप यहाँ आएंगे, आकर के वाणासुर से युद्ध करेंगे और उन्हें उनके 1000 हाथों से मुक्ति दिलाएंगे। तो जिस कारण से युद्ध होना था वो कारण पूरा हो गया है, तो आप इस युद्ध को यहीं पर रोक दें। भगवान कहते ठीक है, हमारा क्या जा रहा। तो श्री कृष्ण उस युद्ध को वहीं पर रोकते हैं। अब वाणासुर श्री कृष्ण को देख रहे हैं, महाराज श्री कृष्ण बड़े सुंदर लग रहे हैं,